आज का हमारा टॉपिक है कार्डन्स मेथड। कार्डन्स मेथड हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकें। अगर कोई भी इक्वेशन जो कि ax³ प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है तो हम कार्डन्स मेथड यूज करेंगे। और अगर यहाँ मिडिल में x² का टर्म अगर प्रेजेंट है तो उसको हटाएंगे किसी तरह, फिर ये कार्डन के फॉर्म में बन जाएगा और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले पुट एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब क्यूबिंग बोथ द साइड्स, x³ इज इक्वल टू यू प्लस वी का होल क्यूब, ब्रैकेट ओपन करेंगे, u³ प्लस v³ प्लस 3 uv, ब्रैकेट में u प्लस वी। और u प्लस वी क्या है? x, यानी x³ इज इक्वल टू u³ प्लस v³ प्लस 3 uv x। अब सारे टर्म्स को LHS में ले आते हैं। x³ माइनस 3 uv x माइनस, और इन दोनों टर्म्स को मैं साथ में लिख रहा हूँ, u³ प्लस v³ इज इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन यानी अगर इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दें, ये सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करें तो यहां पर एक्स का कोफिशियंट -27 है, यहां पर एक्स का कोफिशियंट -3 uv है, यानी -3 uv इज इक्वल टू -27। माइनस माइनस कैंसिल, यानी uv इज इक्वल टू 9। और कांस्टेंट को अगर कंपेयर करें तो यहां है +54, यहां पर -u³ प्लस v³, यानी हमारी u³ प्लस v³ की वैल्यू -54 आ गई। ठीक है, अब इसका क्यूब कर देते हैं, आगे काम आएगा। यानी ये हो जाएगा u³ v³, 9 का क्यूब हो जाएगा 729। अब इसके बाद हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं जिसके रूट्स होंगे u³ v³। तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग नाउ फॉर माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोथ रूट्स आर u³ एंड v³। इसके बाद कैसे करेंगे? तो नाउ फॉर माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ रूट्स आर u³ एंड v³। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग एक टर्म टी के फॉर्म में बनाते हैं, तो ये कैसी बनेगी? टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी टी स्क्वायर, रूट्स हमारे u³ v³, इनका सम हमें पता है -54, ये -54 और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, इंटू टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 729। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको टी की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी की दो वैल्यूज आती हैं -27, -27, और यही हमारे दो रूट्स हैं, यानी u³ की वैल्यू -27 एंड v³ का भी वैल्यू -27। क्यूब रूट करेंगे, u इज इक्वल टू -3, v इज इक्वल टू -3। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में x का वैल्यू u प्लस वी डाला था, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू u प्लस वी इज इक्वल टू -3 माइनस -3, यानी ये हो जाएगा -6। यानी एक एक्स का वैल्यू, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका एक रूट आ रहा है -6। अब हम लोग सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करते हैं जिससे हमको एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जिसको हम लोग सिंपली सॉल्व करके बाकी बचे दो रूट्स निकाल लेंगे। सिंथेटिक डिवीजन कैसे होगा? तो जो हमारी इक्वेशन थी क्या थी? x³ -27x
प्लस 54 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक्स क्यूब है, एक्स है कॉन्स्टेंट है, यानी यहाँ पर है जीरो एक्स स्क्वायर, यहाँ बीच में एक्स स्क्वायर टर्म मिसिंग है, यानी जीरो एक्स स्क्वायर। सिंथेटिक डिवीजन कैसे करते हैं? माइनस सिक्स एक रूट है, माइनस सिक्स, यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशेंट वन, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जीरो, एक्स का कोफिशेंट माइनस 27 और फिर कॉन्स्टेंट 54। तो सबसे पहले वन को एज इट इज नीचे यहाँ रख देते हैं, वन इंटू माइनस सिक्स ये हो जाएगा माइनस सिक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, माइनस सिक्स इंटू माइनस सिक्स प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे प्लस 9, 9 इंटू माइनस सिक्स माइनस 54, दोनों को ऐड करेंगे तो ज़ीरो। यानी एक टर्म हमारा लास्ट में हट गया और हमारी जो नई इक्वेशन आई इसको हम लोग डिप्रेस्ड इक्वेशन बोलते हैं और ये क्वाड्रेटिक होती है। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट वन और एक्स का कोफिशेंट होगा माइनस सिक्स यानी माइनस सिक्स और बचा हुआ कॉन्स्टेंट नाइन इज इक्वल टू जीरो। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको x की दो वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी, x इज इक्वल टू 3.3 और माइनस सिक्स वैल्यू हम पहले ही पा चुके थे, बची दो वैल्यू ये आ गई, यानी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x क्यूब माइनस 27 x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 के तीन रूट्स आ गए, जो कि हैं x इज इक्वल टू माइनस 6.3.3। अगले वीडियो में हम कार्डन मेथड का दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर टर्म होगा और उसको हम लोग पहले हटाएंगे, फिर ये सिंपल इसी प्रोसीजर में हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सिविल अप टू डेट। थैंक यू।